हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल टीच मी ऑफिशियल। दोस्तों, हम बात करेंगे अभिकारक और उत्पाद के बारे में। अभिकारक और उत्पाद हम कैसे पहचानेंगे? तो दोस्तों, आपके पास कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होगी, रासायनिक समीकरण, जिसमें से आपको पहचानना होगा कि अभिकारक उसमें से कौन सा पार्ट है और उत्पाद कौन सा पार्ट है। तो दोस्तों, आपको एक छोटी सी बात बस ध्यान रखनी है कि जब भी आपके पास कोई भी पदार्थ होगा, आप उसमें जब कोई चेंजेस कराते हैं तो उसके बाद आपको एक नया पदार्थ मिलता है। तो फ्रेंड्स, परिवर्तन से पहले जो आपके पास पदार्थ है वही अभिकारक कहलाता है, लेकिन जब आपने उसमें कोई भी रासायनिक परिवर्तन करा दिया, उसके बाद जो आपको दूसरा पदार्थ मिल गया उसे हम कहते हैं उत्पाद। एग्जाम्पल से हम देखेंगे, जैसे कि माना आपके पास एक पदार्थ है ए प्लस बी। आपके पास कोई भी पदार्थ है, जब आपने इसमें एक परिवर्तन कराया, किसी रासायनिक अभिक्रिया के जरिए आपने इसमें परिवर्तन कराया, तो आपके पास एक नया पदार्थ बनेगा। माना वो पदार्थ है C+D। तो दोस्तों, यहाँ परिवर्तन से पहले का जो आपके पास पदार्थ है यही हमारा कहलाता है अभिकारक। और इस परिवर्तन के बाद जो आपको एक नया पदार्थ मिला उसी को हम कहते हैं उत्पाद। जैसे कि हम किसी इक्वेशन के ज़रिए देखते हैं, माना कि आपके पास कोई दो तत्व हैं, कार्बन और ऑक्सीजन। एक आपके पास कार्बन है, दूसरा है ऑक्सीजन। जब आपने इसमें एक रासायनिक परिवर्तन कराया तो ये मिलकर एक नया पदार्थ बनाएंगे, जिसे कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। तो दोस्तों, यहाँ पर इस परिवर्तन से पहले के जो आपके पास दोनों ये तत्व हैं यही कहलाते हैं अभिकारक। लेकिन इन दोनों तत्वों का किसी रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा जब हमने परिवर्तन कराया तो आपके पास नया पदार्थ कार्बन डाइऑक्साइड जो बना, इसी को हम कहते हैं उत्पाद। तो फ्रेंड्स, ये एक और इक्वेशन लेते हैं एग्जांपल के लिए। माना कि आपके पास है जिंक और एक है आपके पास सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4। जब आपने इसमें रासायनिक परिवर्तन कराया तो ये मिलकर बनेगा जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस इसमें अलग हो जाती है। तो दोस्तों, यहाँ पर आपके पास पहले ये दो पदार्थ हैं, जिंक और सल्फ्यूरिक अम्ल, यही दोनों कहलाते हैं अभिकारक। और जब इन दोनों को आपने एक रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा परिवर्तन कराया तो हमारे पास मिलकर बना जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस, और आपके पास ये जो नए पदार्थ बनकर आए यही कहलाते हैं उत्पाद। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि अभिकारक और उत्पाद में क्या डिफरेंस है।